इमाम मुफ्ती महमूद को उठा के बाहर फेंक दिया इन्होंने। ये किस बुनियादों में पार्लियामेंट की बात करते हैं? इस हाउस में जनाब स्पीकर सरदार शाह का तैयार तब तक बैठा हुआ करे बात लेके आया यहाँ रो या वो किस मुंह से आज मुझे पार्लियामेंट की ऊपर की बात करते हैं? आराम से मेरी बात सुने जनाब स्पीकर। किस्मत है ये कौम जिसकी आज भी तरजीह टैंक है, तोप है, एटम बम है, बंदूक है, वो कौम तरक्की करेगी जिनकी तरजीहात खत्म हो गए हम जीतते थे। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं जनाब स्पीकर, पिछली मर्तबा जब इनकी अक्सरियत थी तो भी ये हमें बोलने से ना रोक सके, आज ये कहां से ये सोच लेके आए कि हमें बोलने से रोक सकेंगे? बड़ों बड़ों ने जनाब स्पीकर ये कोशिश की कि हमारी जुबान बंद हो, किसी ने हमारी जुबान बंद नहीं की जनाब स्पीकर, और ना इंशाल्लाह कोई ऐसी कुव्वत पैदा होगी जो हमारी जुबान बंद कर दे। हमारी बात इनको सुनना होगी चाहे गवारा हो या ना हो। हम बार बार ये कहते हैं कि चले ठीक है भाई, हम कुर्बानियां कौम कुर्बानी देगी और फौज के लिए देगी, ठीक है हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, इस मुल्क का फौज है। लेकिन ये फौज भी तो कुछ दिखाए ना, 70-77 साल में इस दिफाई इदारे ने क्या किया है? इस मुल्क में मुल्क की दिफा तो छोड़ दें कि हम मुल्क की दिफा की बात करें, इस मुल्क में एक शहरी महफूज नहीं है, ये हमारे दिफाई इदारों से क्या लेते और पैसे दे देंगे ताकि उनके पर्स एंड प्रिविलेज बढ़ते जाए, अवाम का खून निकालते जाए, फौज को पकड़ाते जाए और सियासतदान इस किरदार में अपना किरदार अदा करते जाए। ये नवाज शरीफ की जात की लड़ाई नहीं जनाब स्पीकर, ये मेरी लड़ाई है, ये पार्लियामेंट की लड़ाई है।